हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग व्लॉग के बारे में। सॉरी, मेरा मतलब है डूब व्लॉग के बारे में, जो अपने कंटेंट में बातों से कम गालियों से ज्यादा कंटेंट चलाते हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देर के, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। एक होती है रोस्टिंग, एक होती है नॉर्मल गालियां जो बंदा आसपास में बात करते हुए दे देता है, लेकिन इन्होंने तो अपनी वीडियो में गालियों की हद ही पार कर दी है। यार, ये बंदा कंटेंट के नाम पर गालियां अपलोड करता है, जो बंदा आराम से घर में बैठ के वीडियो देख भी नहीं सकता, लेकिन अगर इसके घर पे भी इससे मिलने जाओ तो इनमें एटीट्यूड इतना है कि मिलते भी नहीं है। के भाई साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई साहब, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास ले देके ये दो चीजें ही रह गई हैं फेमस होने के लिए। पहली फैमिली व्लॉगिंग, दूसरी गालियां। डकी भाई ने ट्रेंड चला दिया था गालियों का, तो सारे गालियों पे आ गए थे, रोस्टिंग करने लग गए। सस्ते रोस्टर जिनका कुछ अकल नहीं है रोस्टिंग की, वो भी रोस्टिंग करने लग गए। फिर आ गई फैमिली व्लॉगिंग डकी भाई की, तो सबों ने फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी। अभी नए चावल मार्केट में चल रहे हैं रजब भाई, उनके पीछे सब पागल है, और उनको देखकर सारे जो लड़के वो भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। Well done. तो यार, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डॉग व्लॉग का पर्दाफाश किया। सॉरी, मेरा मतलब है डॉग व्लॉग का पर्दाफाश किया। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। अगर आप किसी और यूट्यूबर को भी रोस्ट कराना चाहते हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। खत्म। yeah.